हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज डायलिंग अ टेलीफोन नंबर एन ओल्ड मैन फॉरगेट्स द लास्ट टू डिजिट्स रिमेम्बरिंग ओनली दैट दीज आर डिफरेंट। डायलिंग एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डायल्ड करेक्टली इज, और इसके लिए चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, आवर की कंसेप्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट ई इज एन ई बाय एन एस, वेयर एन ई इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड एन एस इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है। नाउ यहाँ पर कह रहा है कि डायलिंग अ टेलीफोन नंबर एंड ओल्ड मैन फॉरगेट्स द लास्ट टू डिजिट। अब देखिए, डिजिट्स जो होते हैं टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, तो लास्ट टू डिजिट जो डायल करना है तो ये आ जाएगा द लास्ट टू डिजिट कैन बी डाइल्ड, द लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, द लास्ट टू डिजिट कैन बी डाइल्ड, लास्ट टू डिजिट कैन बी डाइल्ड इन 10P2 वेज। यहाँ पर लास्ट का जो दो डिजिट होगा वो 10P2 तरीके से डायल हो सकते हैं, बिकॉज इसमें से हम कोई भी दो डिजिट ले सकते हैं लेकिन उसका हम अरेंजमेंट नहीं करेंगे। तो ये 10, जैसे यहाँ पे कोई टेलीफोन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेट 10 डिजिट का कोई टेलीफोन नंबर है, तो यहाँ पे इन दो पोजिशन को भरने का जो तरीका होगा। अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि डिफरेंट डायल्ड, मतलब कह रहा है कि फॉरगेट द लास्ट टू डिजिट रिमेम्बरिंग ओनली दैट दीज आर डिफरेंट, मतलब इन दो डिजिट पहले पे जो है डिजिट से डिफरेंट है। यानी अगर हम इस डिजिट की बात करें, इस पे अगर 10 पॉसिबल वेज हैं इसको भरने के, तो अब ये जो है एक डिजिट, मान लीजिए यहाँ पे 2 आया, यहाँ 2 नहीं आ सकता, इसके लिए पॉसिबल वेज 9 हो जाएंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास जो ये टोटल पॉसिबल वेज है 10P2, तो 10P2 का वैल्यू आता है फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 × 9 × 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 90 आएगा, अदरवाइज भी हम कैलकुलेट करके देखें तो ये वैल्यू 90 ही आएगी, बिकॉज इन दो पैलेस के कोरस्पॉन्डिंग जो चांसेज हैं भरने के वो 10 × 9 है, दैट इज 90। तो ये आ गया हमारे पास एन एस, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब एनी की बात करें तो ये तो कोई भी डायल नंबर, करेक्ट डायल नंबर तो एक ही नंबर होगा, फोन नंबर। सो देयर आर ओनली वेज टू डायल अ करेक्ट नंबर। ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ गए। सो आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देयर फोर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो इस इवेंट के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा वो एनी बाय एन एस, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 1 बाय टोटल आउटकम्स दैट इज 90। सो दिस विल बी 1 बाय 90। अगर ऑप्शंस में हम देखें तो 1 बाय 90 जो है ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।